लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी ने नबी
वसल्लम इतना बड़ी शान दे गए, अल्लाह को पर क्यों निशान होगी। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की अगर जिंदगी का हम और मुताला ना भी करें, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के और सिफात ना भी देखें, सिर्फ सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जो इंसाफ पर मबनी फैसले किए, अल्लाह की कसम क्या मतलब उनकी मिसाल नहीं है सकती। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मकाम है, फरमाते थे कि अगर फुरात के किनारे दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यास समर जाए तो क्यामत वाले दिन अल्लाह पाक उमर इब्न खत्ताब से पूछेंगे कि उमर तेरी हुक्मरानी में, मेरे उमर तेरी खिलाफत में ये एक भूखा और प्यासा कुत्ता क्यों मर गया था। सैयदना फारूक के आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेशुमार वाकियात इंसाफ पर मबनी है। अल्लाह हु अकबर, फरमाया सैयदना फारूक के आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास मिस्र से एक ईसाई आया, उसने आकर सैयदना फारूक के आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ये शिकायत की कि हजरत मिस्र के जो गवर्नर हैं आपके हजरत अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनके बेटे ने मुझे कोड़ा मारा है और मुझे वहाँ इंसाफ नहीं मिला, मैं उस इंसाफ को लेने के लिए मदीना मुनव्वरा में आया हूँ। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, फरमाया कि उनके बेटे ने आपको कोड़ा क्यों मारा। कहा हजरत घोड़ा दौड़ थी, रेस लग रही थी, मेरा घोड़ा उसके शहरवाजादे से आगे निकला, मेरे घोड़ा आगे निकलने की वजह से उसने तैश में आकर गुस्से में आकर मुझे कोड़ा मारा। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त लिखा मिस्र के गवर्नर को, फरमाया आप खुद भी आ जाए, अपने बेटे को भी लेके आए, मदीना मुनव्वरा के अंदर एक ईसाई ने आपके खिलाफ शिकायत की है। अल्लाह को पर ये देख ले कि आज हमारे हुक्मरान कैसे हैं, आज हमारे वज़रा कैसे हैं, आज हमारी जंग की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए लोग कैसे हैं, उनके हाथ में कैसा इंसाफ है, हमारे हुक्मरान जुल्म पे जुल्म करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन इस्लामी हुकूमत ये देखो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र से उनको बुलवाया, मिस्र का गवर्नर डर गया डरते हुए सहाबी रसूल थे, लेकिन उनको ये भी पता था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो इंसाफ है वो बड़ा मिसाली है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की दरबार में मदीना मुनव्वरा आ गए, अब दरबार फारूकी लगाए,
सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की अपनी हालत ये है। अल्लाहू अकबर। फरमाया एक दफा धोखे से एक ईसाई सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल करने की घर से आया मदीना मुनव्वरा। लोगों से पूछता है, लोगों आपके हुक्मरान का, आपके बादशाह का या आपके बादशाह का महल कहाँ है, या मैं जदीद दौर में कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, पीएम हाउस कहाँ है। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा आप किसका पता करते हैं। उन्होंने कहा मुसलमानों के बादशाह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का हम पता करना चाहते हैं। लोग हैरान हुए। भाई जो मुसलमानों के बादशाह हैं, मैं उस उम्र की बात करता हूं। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम भी वही उम्र। उसने मजाक और से पूछा, उसने यही जवाब दिया और से पूछा, इतने लोगों ने जब कहा उसको यकीन हो गया कि बाकी वही उम्र। वो आदमी चला पहुंचा वहां पर उस बाग के अंदर। दोपहर का वक्त है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु उस बाग की रखवाली कर रहे हैं किसी और कबाब का। अल्लाहु अकबर। वो आदमी क्योंकि कतल के इरादे से आया था, बड़ा बहादुर माना जाता था ईसाइयत में, बड़ा सिपा सरदार था उनका। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की आवाज़ सुनकर उसके जिस्म के अंदर यूकम कभी पैदा हो गई, उसके जिस्म में डर पैदा हो गया। एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया कि अभी सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जब ही उठेंगे मैं जाकर उनके ऊपर हमला कर दूंगा, मैं उन पर हमला करके उनका काम तमाम कर दूंगा। थोड़ी देर गुजरी, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु तहरूरा करने के लिए उसी दरख्त के नीचे तशरीफ लाए, सर के नीचे पत्थर रखा और सो गए। कहा बाईस लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान सर के नीचे पत्थर और सो गए। अल्लाहु अकबर। उसने कहा अब वक्त है, अब मौका है, मैं जाकर इनका काम तमाम कर दूं। अभी वो सोच ही रहा था, अल्लाह ने जंगल से एक दरिंदे को भेजा, एक शेर आया। उसने आकर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के इर्द गिर्द पहरा देना शुरू कर दिया। उनके गिर्द पहरा दे रहे हैं। जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जब तक सोते रहे वो शेर पहरा देता रहा। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जब उठे, जब जागे वो शेर जो करके नूर नीचे मुँह करके चला गया। वो आदमी दरस से उतरा, आकर हजरत फारूक आज़म के पाँव के अंदर गिर गया, माफ़ी मांगी, सारा वाक्य सुनाया और अर्ज किया कि जंगल के दरिंदे जिनकी हिफाजत करते हो ये तो गुलाम का काम है, तो उनका आका मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे होंगे, तो मेहरबानी करें मुझे कलमा पढ़ा कर इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। कौन फारूक आज़म जिनके ज़माने के अंदर शेर और बकरी, भेड़िया और बकरी इकट्ठे चला करते थे। भेड़िए को ये जुर्रत नहीं थी कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना है, मैं किसी की बकरी को उठा कर जंगल में ले जाऊँ। शाम के इलाके के अंदर एक चरवाहा अपने बकरे पर चढ़ा रहा था, तो उस चरवाहे ने वहीं शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर मचाया, लोगों मुसलमानों के अमीर मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अब इस दुनिया के ऊपर नहीं रहे। लोग बड़े हैरान हुए, या तू ये कैसी बात कर रहा है, तू ये कैसे कह रहा है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया में नहीं रहे। वो रोने लगा, रो के कहने लगा कि मुझे इतना अरसा हो गया है लेबर चलाते हुए, आज तक
मुसलमानों में तकसीम कर दिया, एक एक चादर तकसीम की। हजरत शेख उल हदीस मौला ज़करिया तबरकल्लाहु मरकज़हु ने फ़ज़ाइल आमाल में भी ये वाक़या लिखा है, एक एक चादर सबको आई। सैयद फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जुमे पर तशरीफ लाए और उनका पूरा लिबास था, दो चादरों का लिबास था, यानी एक चादर नीचे और एक चादर की कमीज पर आई हुई थी। क्या फारूक था, वहां एक आदमी खड़ा हो गया, खड़े होकर कहने लगा, आप हमारे अमीर मोमिनीन हैं, आप खुद पर बाद में पढ़ना, पहले मुझे मेरी बात का जवाब दे। लोगों ने रोकना चाहा, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, नहीं नहीं इस आदमी को सवाल करने दो, इस आदमी को पूछने दो, ये आदमी क्या कहना चाहता है। उसने कहा, अमीर मोमिनीन, ये कपड़ा आया, ये चादरें आई, सबको एक एक चादर मिली, आपने अपने लिए दो चादरें क्यों रखी हैं। आज इस जमाने में किसी गरीब से गरीब मुल्क का कोई आम से आम हुक्मरान दिखाओ, कोई आम से आम MP MLA दिखाओ, जिससे आप सवाल कर सके, किसी आम चेयरमैन नाजिम से बात करके देखो, कोई इलाके का नाजिम है उससे आप पूछ के देखो कि ये जो आपने गाड़ी खरीदी है इसके पैसे कहाँ से लाए हो। किसी एक आम MPA से सवाल करके दिखाओ, 22 लाख मुल्क अमीर कमा हुक्मरान, आपके पाकिस्तान 3 पाकिस्तान बनेंगे 22 लाख मुल्क अमीर में। अल्लाह मुल्क पर वहां आदमी खड़ा है, ओ अमीर मोमिनीन, अपने जिस्म के ऊपर 2 कुर्ते, ये कैसे। आज इंसाफ का नारा लगाया जाता है, आज ईमानदारी का नारा लगाया जाता है, लोग यूरोप की मिसालें देते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम है, यूरोप वाले भी अगर मेरे सैयदना फारूक आज़म के कदमों में ना आते तो उनको भी कभी ये इंतजाफ की चीजें ना मिलती। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को कहा, मैंने आप हमें ये जवाब दें कि आपके पास ये दो चादरें कैसे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की तरफ इशारा फरमाया, फरमाया इसका जवाब मेरा बेटा अब्दुल्लाह इब्ने उमर देगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, खड़े होकर कहा, हाँ जी, एक चादर मेरी थी और एक चादर मेरे वालिद साहब की थी, मैंने अपनी चादर अपने वालिद मोहतरम को दी है ताकि उनका लिबास पूरा बन जाए, वो अमीर उल मोमिनीन थे, उनका पूरा लिबास सही नहीं था। आज दुनिया में कोई ऐसी मिसाल पेश करके दिखाओ, जब बैतुल मक़द्दस फतह होने लगा, मुसलमानों के ज़माने में हज़रत उमर बिन फारूक का हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में ईसाइयों ने कहा कि अगर मुसलमानों के जो खलीफा हैं इस वक्त अमीरुल मोमिनीन हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अगर वो आ जाए तो हम बगैर लड़ाई के बगैर जंग के चाहते हम जवाब। तो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त सिपा सालार में मुशर्रफ हुआ, हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चेहरा सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता जुलता था, उन्होंने उनको पेश कर दिया। अब उस शहर की दीवारों के ऊपर चढ़कर बड़े बड़े पादरी आए, बड़े बड़े साई, उन्होंने किताबें खोली सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखने के लिए। बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने कहा, ये हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुशाबे ज़रूर हैं, लेकिन ये उमर इब्न ख़त्ताब नहीं। अल्लाह के कुरान में तौरात इला मसलुहुम फिल इंजील फरमाया, ये वो सहाबा हैं जिनकी मिसालें अल्लाह पाक ने तौरात और इंजील ज़बूर के अंदर बयान फरमा दी हैं। फिर मशवरा किया मुसलमानों ने कि अगर मुसलमानों का खून ना बहा जाए, मुसलमानों को नुकसान ना हो, मुसलमान
इस्तकबाल करने के बाद उनसे कहने लगे, या अमीर मोमिनीन, ये जो आपने कुर्ता पहना हुआ है इसके ऊपर जगह जगह पैमान लगे हुए हैं, जगह जगह टुकड़ों के निशान हैं, ये ईसाई लोग क्या कहेंगे, ये गैर मुस्लिम क्या कहेंगे, यहाँ पे इनके बड़े बड़े फाखराना लिबास हैं, आप मेहरबानी करें हम आपको लिबास देते हैं, आपके आला लिबास ज़ेबे तन फरमा कर ये लिबास उतार दें। सैयदना फारूक के आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ गए, फरमाया ओ अबू पैदा, तू इन काफिरों से कब से मुतासर हो गया, क्या मैं इन काफिरों की खातिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं। तशरीफ ले आए, जब करीब पहुंचे पैदल चलने की बारी, अल्लाहु अकबर, दुनिया के अंदर ऐसी तारीफ तो पेश करो कि गुलाम सवार हो और बादशाह हुक्मरान उसकी मुहार पकड़ के सवारी की आगे आगे चल रहा हो। तारीख के अंदर आपको ऐसे इंसाफ की मिसाल नहीं मिलेगी। गुलाम ने बड़ी मिन्नत की, बड़ी समाजत की, या अमीर मोमिनीन आप मेहरबानी फरमाए, अब तक तो जो हुआ था आप मेहरबानी फरमाए, आप सवारी पे सवार हो जाए, ये लोग क्या कहेंगे कि गुलाम सवार है और बादशाह चल रहा है। फरमाया लोगों को छोड़ो, अगर क्यामत वाले दिन अल्लाह ने पूछ लिया उमर तेरी बारी पैदल चलने की थी, तू सवार क्यों हुआ था, मैं अल्लाह की दरबार में उमर क्या जवाब दूंगा। अपने अपने घरों के अंदर भी लोग तवज्जो कर लेना, अपने घरों के अंदर भी हमारे ऊपर कुछ हुकूक है, अपने घर वालों के भी हमारे ऊपर कुछ हुकूक है, अगर घर के अंदर भी अपनी औलाद के हुकूक हैं, मियां बीवी के आपस के अंदर हुकूक हैं, अगर कहीं ना इंसाफी हो रही है तो अल्लाह की दरबार के अंदर जवाब देना पड़ेगा। सैयदना फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदल चल रहे हैं, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पैदल चलते चलते उनका एक जूता उनका गुजरा टूटा और टूट गया। सैयदना फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो एक जूता अपने हाथ में पकड़ लिया, एक हाथ में जूता मुबारक पकड़ा हुआ है, एक हाथ में मुहार पकड़ी हुई है, उनकी गुलाम ऊपर सवार है, तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहु अकबर, जब सैयदना फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन लोगों ने देखा, ईसाइयों ने देखा, वो दीवारों के ऊपर चढ़ के आए, आकर उन्होंने अपनी किताबें खोली, किताबें खोल कर वो देखते जाते थे, एक एक निशानी कहते जाते थे, उनकी किताबों में लिखा था कि जब वो मुसलमानों के बादशाह आएंगे उनका गुलाम ऊंट पर सवार होगा, उनके हाथ के अंदर मुहार पकड़ी हुई होगी। उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ था कि जब वो आएंगे उनके जिस्म के ऊपर जो कुर्ता होगा उसको भी 16 या 17 पैमान लगे हुए होंगे। जब उन्होंने सारी निशानियां देख ली, सारी अलामतें देख ली, सैयदना फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो फौरन उन्होंने सारी की सारी चाबियां शहर की सैयदना फारूक आजम के कदमों में डाल दी। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाखिल हुए, अल्लाहु अकबर, अभी दाखिल ही हुए कि एक आदमी आया सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कानों में कुछ कहने लगा, उन्होंने उनकी बात सुनी, बात सुनने के बाद फरमाया तो ये मेरे बाप की जागीर थोड़ी है कि मैं तुम्हें दे दूं। साथ वाले बड़े हैरान हुए कि यह आदमी कौन था और इसने अमीरुल मोमिनीन के कान में क्या ऐसी बात कही। बाद में पूछने पर पता चला सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, एक वक्त था मैं अपने वालिद की गिरामी के साथ यहाँ पर ऊंट और बकरियां चराने आया था, अब उस वक्त हालत ये थी कि कोई साया नहीं होता था, मैं यहाँ बैतुल मक़द्दस की दीवारों के अंदर आकर दीवारों के साये के अंदर दोपहर को लेट जाया करता था। फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं लेटा हुआ था, एक आदमी आया, बूढ़ा आदमी था, उसने मुझे उठाया, मैं उठ के बैठ गया तो उसने पाँव को देखा, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों को देखा, अच्छे तरीके उनके जिस्म को देखने के बाद वो कहने लगा कि आप मुझे लिख के दें
अगर आपकी इस इलाके में हुक्मरानी और बादशाहत हो जाए तो आप ये जो जमीन का इलाका है ये आप मुझे दीजिए। अब सही ना फारूक के आलम रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त हंसने लगे कि मुझे तो ऊँट चराने नहीं आते, बाप से नाराजगी उठानी पड़ती है, मैं इस इलाके का बादशाह कैसे बन सकता हूँ। तो सही ना फारूक के आलम रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिख के दिया। अब वो आदमी तो बूढ़ा हो चुका था लेकिन वो उसका बेटा वही उनकी लिखी हुई तारीख सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की लेके आया कि आपने मेरे बाप को ये लिख के दिया था, अब ये जमीन हमें दे। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ये मेरी मिल्कियत तो है नहीं कि मैं दूँ, अब ये मेरी मिल्कियत में जो चीज़ नहीं है उनको मैं कैसे दे। ऐसा इंसाफ, ऐसी इंसाफ पर मरती चीजें आज हमारे हुक्मरान देख लें कैसे, किसी को थोड़ी सी कुर्सी मिली नहीं और पत्नी क्या क्या चीज अपने रिश्तेदारों में अपने नाम कराते चले जाते हैं। अल्लाह की कसम एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है। सैयदना फारूक आजम आखिरी एक बात अर्ज करूँ, याद आ गई, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला को पता चला ये जो शाम की तरफ हमारी फौजें अल्लाह के रास्ते में जंग कर रही हैं वो आज यहाँ से गुजर रही हैं, मदीना मुनव्वरा से इतने फासले के ऊपर हैं, उन्होंने रात का क़याम करना है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को एक सहाबी रसूल को लेकर पहुँचे, जाकर पहरेदारों को फरमाया कि तुम सो जाओ आज रात हम पहरा देंगे। अब उनको तो पता नहीं कौन है, वो सो गए। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने पहरा दिया, सुबह उठे जो लोग जानते थे उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, अब वो पहरेदार डरने लगे हमें तो पता नहीं था अमीरुल मोमिनीन ने पहरा दिया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हुक्मरान कौम का खादिम होता है, मैं तुम्हारा खादिम हूँ। फरमाया दस्तरखान लगा, दस्तरखान के ऊपर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने देखा एक आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा, तशरीफ ले गए उसके पास, जाकर कहा कि आप बाएं हाथ से खाना खा रहे हो सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। उसने अपना बाजू निकाला, उन्होंने कहा कि ये मेरा बाजू जंग जंगों में कट चुका था दाया, इसीलिए मैं बाएं हाथ से खाना खा रहा हूँ। सैयदना फारूक आज़म के आंखों में आंसू आ गए, सारा बाजार रोने लगे, रो के फरमाया ओ अल्लाह तुम चाहे मुझे माफ कर दे, हजरत आप क्यों रो रही हैं, मैं आपको क्या माफ करूँ। फरमाया अल्लाह के रास्ते में आपका एक बाजू कट गया और उम्र को इसकी खबर तक ना हुई, आज तक मैंने आपके हिम्मत के लिए गुलाम मुकर्रर ना किया, आप कैसे खाना खाते होंगे, कैसे कपड़े धोते होंगे, आप कैसे ये सारे काम करते होंगे, अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ने मुझसे ये पूछ लिया तो मैं अल्लाह की दरबार में क्या जवाब दूँ। दुआ फरमाए अल्लाह हमें भी ऐसे लोग हुक्मरान अता फरमाए, अल्लाह हमें भी ऐसे ईमान वाले बादशाह अता फरमाए, तो आपकी दुआ बना रही।